रेलवे ने 13 शताब्दी और 11 राजधानी ट्रेनों को अगले 6 महीने में बदलने की योजना बनाई है। शताब्दी के एक ऐसे ही मॉडल ट्रेन से हमारे संवाददाता परिमल कुमार की रिपोर्ट। बदलाव समय की मांग है और रेलवे 13 शताब्दी और 11 राजधानी ट्रेनों को 6 महीने में बदल रही है। बदलाव क्या क्या है वो आपको बताते हैं। ये दरअसल आप जो देख रहे होंगे ये शताब्दी ट्रेन है जो मॉडल के तौर पे इन्होंने बदला है, उसको बता रहे हैं कि इसमें एंटी ग्राफिटी कोटिंग है इस पे डस्ट भी जमा होगा तो जल्दी से साफ सफाई हो जाएगी। कुछ लिख नहीं सकते हैं उसको लेकर कोशिश की गई है। तमाम ट्रेनों में शताब्दी राजधानी में ऐसी ही कोशिश की जाएगी। जब आप अंदर दाखिल होंगे तो यहाँ पर जो अलग अलग सेक्शन है वहां पर भी आपको ये विनाइल कोटिंग नजर आएगा, जिससे आप कुछ लिखेंगे तो इस पे लिख नहीं पाएंगे और इसकी खूबसूरती बरकरार रहेगी। एक प्लीजेंट लुक देने की कोशिश की गई है। दूसरी नंबर की सबसे अहम चीज, ये टॉयलेट जो है वो रिमोट के जरिए बंद रहेगा। जब तक ट्रेन नहीं खुलेगी ये टॉयलेट आपको खुला हुआ नजर नहीं आएगा, यानी इसकी साफ सफाई बरकरार रहेगी। कोशिश यही की गई क्योंकि पैसेंजर की शिकायत रहती थी कि जब ट्रेन में दाखिल होते हैं उससे पहले ही टॉयलेट गंदा होता है स्टेशन पे। और यहाँ पर अंदर में टॉयलेट की खूबी और बताएं तो पहली चीज तो ये कि रिमोट के जरिए जब ट्रेन खुलेगी तब टॉयलेट ओपन होगा। दूसरी नंबर चीज ये कि पानी की चपचपाहट रहती थी फर्श पे, उस पे मेट यहाँ पे ऐसा लगाया गया, मैट लगाया गया जिससे पानी बिल्कुल नीचे रह जाएगी, आपके पैरों में वो चपचपाहट नहीं आ पाएगी, वो कोशिश की गई है। दूसरी नंबर ये जो डिवाइस लगा हुआ है, दरअसल आप जितनी बार फ्लश करेंगे इससे सुगंध भी निकलेगा। और दूसरी नंबर चीज़ की एंटी बैक्टीरियल जो केमिकल है वो भी आपके टॉयलेट में जा सकेगा, एक कोशिश यहाँ पे की गई। दूसरी नंबर चीज अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर ये फर्स्ट एसी में एक्स्ट्रा एडवांटेज ये है कि जगह जगह जो ये कवर्स होंगे ये डिस्पोजेबल कवर्स हैं, हेड कवर्स, इसको आप एक जर्नी के बाद इसको हटाना आसान होगा। आप देखिए बिल्कुल ऐसे हटा सकते हैं, यानी गंदगी सीट पर नहीं आएगी। उसके बाद आप देखिए कि लगेज जब आप रखते थे तो वहां पर स्क्रेच आ जाता था इन सब जगहों पे और वो उजला होता था, इसको थोड़ा सा कलरफुल लुक देने की कोशिश की गई और इस पे स्क्रेच नहीं आएगा। एंटी स्क्रेच वाला जो जो एलिमेंट है वो इसमें समाहित किए गए। दूसरी नंबर चीज ये कि सीट यहाँ पर देखेंगे तो इसमें ब्रेल लिपि और सामान्य लोग जो हम आप सीट नंबर देखते हैं वो एक ही साथ इसको रखा गया है, अलग अलग नहीं रखा गया। पुराने ट्रेनों में अलग अलग रखा जाता था। वाईफाई की एक बड़ी खासियत दी गई है जिसमें 500 घंटों का दावा किया गया है कि मूवीज हैं, बच्चों के लिए सेक्शन है, साथ में आपको स्पिरिचुअल चीजें हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, तो ये तमाम तरह की चीजें जो है मैगजीन्स हैं वो 500 घंटे तक आप इंजॉय कर सकते हैं वाईफाई कनेक्ट करके। और उसके लिए आपको 10 सीट के सामने में कुछ इंस्ट्रक्शन लगे हुए उसको देखना पड़ेगा, वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ेगा और आप सीधे तौर पे मनोरंजन या फिर कोई जानकारी अगर हासिल करना चाहें तो जो चीजें उसमें हैं यानी ऑफलाइन जो आपको चीजें हैं वो आपको मिल सकेंगी। साथ में जिस जगह की ट्रेन होगी उसका एक लुक, उसका एक फील देने की कोशिश की गई, जगह जगह इस तरह की पेंटिंग और फोटोग्राफ कहें कि वो लगाया गया है कि जहाँ की ट्रेन है उस तरह की चीजों को फील करवाने को लेकर ये चीजें लगाई गई। फर्श का भी एक कोशिश की गई कि फर्श पे फिसलन जैसी चीजें रहें क्योंकि डस्ट जमा ना हो और आसानी से साफ सफाई हो जाए, उसको लेकर एक कोशिश और कवायद की गई है। यहाँ पर जगह जगह वो भी लगाया गया कि जहाँ पर आपको खाना वगैरह परोसा जाएगा उसको लेकर सेल्फ जो है कैटरिंग सेल्फ उसका उसको थोड़ा सा बढ़ाया गया क्योंकि कई बार शिकायत होती है गंदगी उससे भी फैलती है, तो उसको जो है ना वो थोड़ा सा बढ़ाया गया। देखिए ये सेल्फ जो है पहले इस्तेमाल में नहीं आ पाता था, उसको अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे ये कोशिश की गई है। और जगह जगह विनाइल रैपिंग और बाकी चीजों कोशिश ये की गई कि ट्रेन की खूबसूरती लंबे समय तक बरकरार रहे, आप उसको एंजॉय कर सके और ट्रेन जो है वो लंबे समय तक खूबसूरत दिख सके, उसको एक कोशिश की गई है। लेकिन सबसे अहम जो फीचर है वो आपके मनोरंजन का फीचर है जिसमें वाईफाई से आप कनेक्ट कर सकते हैं और सीधे तौर पे जो मनोरंजन की चीजें हैं उसको देख सकते हैं। एक कोशिश है बदलाव की क्योंकि बदलते वक्त के साथ बदलना जरूरी होता है और रेलवे भी खुद को बदल रही है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।